तमिलनाडु में तूफान ने मचाई तबाही, 4 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा पेड़ गिरे, कैमरे में कैद हुए तबाही के निशान। जिसका डर था आखिर वही हुआ, चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु के चेन्नई में जमकर तबाही मचाई है। तमिलनाडु के बाद ये तूफान अब पुडुचेरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मामल्लापुरम में चक्रवात मेंडुस के आने के बाद चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। तूफान ने जो तबाही शनिवार को मचाई उसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पेड़ गिरे हुए हैं जबकि गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। गाड़ियों के ऊपर दीवार गिरी है जिसके बाद काफी नुकसान हुआ है। तूफान के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मेंडुस तूफान के चलते चेन्नई के साथ साथ कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। मेंडुस तूफान के चलते कई इलाकों में जल जमाव हुआ। सड़कों पर पानी भरने के बाद गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। तूफान मेंडुस के पहुंचने से पहले ही शुक्रवार को उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई, जबकि राजधानी चेन्नई समेत कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। एहतियातन चेन्नई एयरपोर्ट से 10 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। शहर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। 400 पेड़ गिरने के बाद कई रास्ते बंद हो गए। चक्रवात मेंडुस के चलते स्कूल कॉलेज बंद, तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। चक्रवात की चेतावनी के बाद पड़ोसी पुडुचेरी में भी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रही। सुरक्षा इंतजाम के लिए 16,000 पुलिस बल और होमगार्ड्स के 1,600 जवानों को राहत बचाव के लिए मुस्तैद किया गया। तूफान के चलते कंस्ट्रक्शन के काम बंद रहे, लोगों को घर के बाहर ना निकलने को कहा गया है। तूफान के चलते अगले कुछ घंटों में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है।